हेलो दोस्तों, आज हमें कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसी का भाग पढ़ लिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम। आज उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे अंकगणित आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधार भूत प्रमेय, ये अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है? ये कोई एक भाज्य संख्या है, कोई एक भाज्य संख्या है और उसका हम गुणनखंड करेंगे। कोई एक भाज्य संख्या है, कोई एक भाज्य संख्या है और उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और किस रूप में करेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड गुणनखंड करेंगे। तो किसी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करना ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कहते हैं। और ये अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है? एक यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय होता है। मतलब इसका मतलब भाज्य संख्या को और दूसरे रूप में नहीं लिख सकते, सिर्फ इसी रूप में लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड दूसरा रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे जैसे एक संख्या ले ली हमने, 140 संख्या ले ली और इसका गुणनखंड करने पर 2 × 2 × क्या आ रहा है? 5 × 7 आ रहा है। तो इसका जो गुणनखंड किया वो किस रूप में किया गया? अभाज्य संख्या के रूप में किया गया है। और यह 140 को क्या है? भाज्य संख्या है और उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया हमने। अब ये जो लिखने का तरीका है ये एक यूनिक है, मतलब इसका क्या है? एक यूनिक है। लेकिन इसका क्रम है ना, वो चेंज हो सकता है। मतलब इनका जो क्रम है ना वो चेंज हो सकता है, लेकिन इनके जो अंदर दो दो बर है, 5 1 बर है, 7 1 बर है, इनसे न तो कम होगा न अधिक होगा। इनका क्रम जरूर चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 × 5 × 7 × 2 लिख सकते हैं, जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या है? किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड है। और ये इसी चैप्टर का पहला प्रश्न है। अब इसका एक अगला प्रश्न और देख लो, जैसे 156 है और 156 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। इसके अंदर किससे भाग दे रहे हैं? 2 से। तो कितनी बार गया? 7। फिर 1 बार, तो यहाँ पे 8। फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 3। और यहाँ पे 9। फिर 13 का दिया तो यहाँ पे 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 बार। और फिर 3 का भाग दिया तो 1 बार। तो इसको लिख सकते हैं अपन, 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। तो इनको क्या करोगे आप? कोई भी संख्या का गुणनखंड करो तो अभाज्य संख्या के रूप में हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो उनका आरोही क्रम में लिख देना। वैसे कोई दिक्कत नहीं कि आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो, या आप इनका कोई क्रम है से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनको क्रम में लिखने से थोड़ा सा ये सुंदर लगता है, या अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालने में इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न है इसी चैप्टर का कि कोई पूर्णांक संख्या को निम्नलिखित युग्म में, कोई इसके अंदर युग्म दे रखा है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ज्ञात करना है उनको? एचसीएफ और एलसीएम। और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो कोई दो संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 26 और 91। तो इनका क्या ज्ञात करेंगे अपन? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 26 ने को 2 × 13 और 91 ऐसा क्या लिखेंगे? 7 × 13। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या है? 13 है। तो एचसीएफ लिख दो, एचसीएफ क्या है? 13 है। LCM,
एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन संख्या उसको लिख दो, और जो 26 के अंदर शेष क्या रह गई थी, दो, 91 के अंदर शेष क्या रह गया था, सात, इन दोनों को गुणा, तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 120। अब हम जांच करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर जो मान आए वो 26 और 91 को गुणा करने पर दोनों का मान बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91। तीन को आप गुणा करो, 26 का पड़ा एक पर बोला 6 और 9 पर बोलेंगे तो 234 और 2 236। ठीक है, अब करेंगे एच सी एफ गुणा एल सी एम, इन दोनों को गुणा करें, एच सी एफ कितना है 13 और एल सी एम कितना है 182, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2366। तो दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों, ये जो हमारा सवाल है वो सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों में, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कोई दो तीन संख्या दे रखी है हमें, 12, 15 और 21, इसका क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3, 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5, और 21 का करेंगे तो 3 × 7। अब यहाँ पे देखो कि तीनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, यहाँ पे तीनों संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया 3, और एलसीएम तो जो कॉमन संख्या उसको लिख दो पहले तो, और जैसे 12 में क्या शेष रह गया 2 × 2, और 15 में क्या रह गया 5, और 21 में क्या कितना रह गया 7, गुणा करो 7 में जो 35, 35 गुणा 70, 70 गुणा 140, सॉरी 7 में जो 35, 35 गुणा 70, 70 गुणा 140, 140 गुणा 280। तो यहां पे क्या आ रहा है, एलसीएम 280, तो एचसीएफ कितना 3 और एलसीएम कितना 280। यहाँ पे क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या उसको पहले, सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद में जो संख्या बची हुई उनको लिख देते हैं। तो ये 12, 15 और 21 का क्या आ गया, एचसीएफ और एलसीएम। इससे अगला प्रश्न करते हैं, और जो इसके अंदर जो शेष प्रश्न रह रहे उनको आप कर लेना, और जिसको भी प्रश्न नहीं आए वो कमेंट्स में लिख देना कि सर ये सवाल बताओ, तो उसको मैं वापस समझा दूंगा। तो अगला प्रश्न है, इसमें पांचवा प्रश्न करते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या कोई संख्या क्या है 6 की पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब कोई संख्या क्या है 6 की पावर n है, और n क्या है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या है, और ऐसी संख्या बताओ n जहां पर 6 की पावर n, मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाए, तो हम क्या करते हैं पहले इसका गुणनखंड करते हैं, 6 की पावर n, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 और होल और इसकी पावर n, तो जब कोई संख्या और उसके होल के ऊपर n है तो इसको खोलेंगे तो यह
दो के ऊपर एन आ जाएगा और तीन के ऊपर भी एन आ जाएगा। तो इसको मैं समीकरण नंबर एक दे देता हूँ। अब एन क्या है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, तो इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में शून्य पे समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इन इसके अंदर रखेंगे तो 6 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 6 आ रही है। जब 6 की पावर 2 रखेंगे तो यहाँ पे रखो n की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो इसे लिखो 4 × 9 = 36। फिर लिखो 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये क्या हो गया 8 और ये हो गया 81, तो 9 × 3 = 27। तो 8 × 7 = 56 और 8 × 2 = 16 और 5 = 16 × 5 = 21, 216। तो हर संख्या में क्या आ रहा है, 1 रखे तो इकाई अंक 6, 2 रखे तो भी इकाई अंक 6 और 3 रखे तो भी इकाई अंक 6। तो हमने कंटिन्यू ऐसे लिखते जाएंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यह कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन हमें इसका दूसरा तरीका है इनको समझाने का कि जब कोई संख्या, जैसे इस संख्या का गुणनखंड किया, तो ये गुणनखंड इस संख्या का एक यूनिक रूप है। मतलब इसको 2 × 3 या इसको लिखते हैं 2 की पावर n या 3 की पावर n, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता। मतलब कि किसी भी संख्या के अंदर गुणनखंड करते हैं तो उसके अंदर अगर 5 गुणनांक में हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 5 हमें मिल रहा ही नहीं है, यहाँ पे 5 हमें है ही नहीं। इसका मतलब यह है कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। और इस रूप से भी हम देखे कि इसके लास्ट इकाई अंक क्या रहा है, 6 6 आ रहा है, तो भी है 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों हो तो वह हो तो वह शून्य पर समाप्त होती है। लेकिन इस संख्या में 5 नहीं होने के, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, नहीं होने के कारण यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या जिसके भाज्य गुणनखंड करने पर, कोई भाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों संख्या उपस्थित हो तो ही वह संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो इस संख्या के अंदर क्या है, 5 नहीं है, इस कारण ये शून्य पे समाप्त नहीं होगी। थैंक यू। जो भी अगर पर्सन नहीं आए इसमें तो आप कमेंट्स कर देना।